के लिए कितने सेट में नामांकन किया है, क्या तैयारियां हैं विधान परिषद की? मैं डॉक्टर रागिनी सोनकर 369 मछली शहर से मैं प्रत्याशी हूँ और मैंने 3 सेट में दाखिला किया है पर्चा को और तैयारी तो दमदार और ज़ोरदार है। बस सपा की सरकार बनने वाली है और सारी चीज़ें सामने आएंगी। नहीं आप जी कम समय में बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। जी मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैं ये बताती हूँ कि मैं एक दलित फैमिली से अपनी एडुकेशन कंप्लीट करके मैंने MBBS किया ऑल इंडिया रैंक से। मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से मैंने अपना MBBS फिनिश किया है। उसके बाद मैं एम्स न्यू दिल्ली से अपना ऑप्थेल्मोलॉजी में MD फिनिश किया है और मेरी प्रेरणा हमेशा से समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया रहे हैं, मेरे फादर रहे हैं और मैंने उनसे प्रेरणा लेके मैंने कोशिश की है कि दलित फैमिली और साथ में बहुत सारी महिलाएं जिनका सशक्तिकरण हो सके और वो मेरी तरह आगे बढ़ सके और ये सोच सके वो कहीं से भी कम नहीं है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उसके अलावा मैं अपने नौजवानों के लिए खड़ी हूँ और अपने पूरे देश के लिए खड़ी हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है फैमिली का? जी मेरे फादर प्रेजेंट विधायक हैं अजगरा बनारस से। आप ये बताएं कि इतने लेकर के जा रही हैं इस बार विधानसभा, क्या विजन रहेगा अगले 5 साल का अगर जनता मौका देती है? जी विजन मेरा जो है वो बहुत ही क्लियर है। मुझे एडुकेशन सेक्टर पे वर्क करना है, मुझे महिलाओं के लिए वर्क करना है, मुझे अपने नौजवानों के लिए नौकरी के लिए काम करना है। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी प्रॉपर एजेंडा रहेगा उसको फॉलो किया जाएगा, ऑन पेपर रहेगा और जो भी चीज़ें होती हैं लोग मुझसे फेस टू फेस उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और एक ऐसा उनको विधायक मिलेगा जो उनके उन्हें ऐसा फील हो कि उनके परिवार का ही व्यक्ति है जिससे वो खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके और हम नौजवानों को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपनी महिलाओं को, सबको आगे लेकर के पूरे सम्मान के साथ समाज में चल सके। कितना विकास हुआ है और बाकी मैं अब क्षेत्र में निकलना चाहूंगी क्योंकि आज आखिरी दिन आपका है। एक सवाल, मछली शाम बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है आपका, आपको पूरा पूरा मिलेगा।